उन मरण के अधीन रहने वालों के परलोक जाते समय ना तो पिता अपनी बेटी की रक्षा करता है और माइक थोड़ा और पास कीजिए, माइक पास कीजिए और ना ही भाई बंधु अपने भाई बंधुओं की, भाई बंधुओं को देखते हुए ही नाना प्रकार के बिलाप को देखते हुए ही मरण अकेले ही प्राणियों को बद किए जाने वाली गाय की तरह ले जाता है। और आगे हाँ है पूरा खत्म होगा वो तो। इस प्रकार संसार मरण और बुढ़ापे से पीड़ित है, इसलिए धीर पुरुष संसार के स्वभाव को जानकर शोक नहीं करते हैं। जिसके आने और जाने के मार्ग को नहीं जानते हो, दोनों अंतों को ना देखते हुए तुम व्यर्थ में विलाप कर रहे हो। यदि विलाप करते हुए अपना कुछ भी भला कर सके तो बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने को पीड़ित हुआ करता हुआ वैसा ही करे, किंतु रोने और शोक करने से चित्त को शांति नहीं प्राप्त होती, बल्कि अधिक दुखी उत्पन्न होता है और शरीर पीड़ित होता है। अपने आप को प्रताड़ित करते हुए व्यक्ति दुबला और आगे है और हाँ कुरूप हो जाता है, कुरूप हो जाता है, कुरूप हो जाता है, उससे मरे हुए का पालन नहीं होता, इसलिए विलाप करना निरर्थक है, रोना निरर्थक है। जो व्यक्ति शोक में पड़ा रहता है वह बेहद दुखी होता है, वह मरे हुए व्यक्ति के लिए शोक करते हुए शोक के ही वश में पड़ जाता है। अपने कर्मानुसार अन्य भी मर जाने वाले मनुष्यों को और मरण के बस में पढ़कर यहाँ छटपटाते हुए जीव प्राणियों को भी देखो। मनुष्य जिस जिस बात को अच्छा समझता है वह उससे अलग हो जाती है। इस प्रकार के वियोग और संसार के स्वभाव को देखो। यदि मनुष्य 100 वर्ष या उससे अधिक आयु तक जीवित रहे तो भी वह भाई बंधुओं से अलग हो जाता है और यहाँ के जीवन को त्याग देता है। इसलिए अरहत के उपदेश को सुनकर विलाप करना छोड़कर मरे हुए व्यक्ति को देखकर सोचे कि अब वह मुझे फिर कभी नहीं मिल सकता। जिस प्रकार घर में आग लगी आग को पानी से बुझाएं, वैसे ऐसे ही धीर प्रज्ञावान बुद्धिमान और कुशल नर अपने मन में उत्पन्न शोक को तुरंत ही उसी तरह नष्ट कर देता है जैसे